हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेव्स गुड लाइफ। कैसे हैं आप सभी लोग? आज फ्रेंड्स संडे है और संडे के दिन मैं आया हूं बैंड स्टैंड बांद्रा वेस्ट में। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो है शाहरुख खान जी का बंगलो, जिसका नाम है मन्नत। आप सभी जानते हैं इस नाम को। सो फ्रेंड्स, बैंड स्टैंड में बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं। सबसे अच्छी जो चीज़ है यहाँ पर वो है समुद्र, बहुत अच्छा यहाँ पर उसका व्यू होता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं चलता हूँ आप लोगों को लेके समुद्र किनारे और वहाँ का मज़ा लेंगे। देखिए लहरें, और आज संडे का दिन होने के बावजूद भी जो है रश इतना नज़र नहीं आ रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो फ्रेंड बहुत मज़ा आने वाला। चलिए चलते हैं आज, लेट्स हैव अ लुक एट द शाहरुख खान्स बंगलो। तो फ्रेंड्स ये हैं शाहरुख खान जी का बंगलो, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। ये एरिया आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जनरली शाहरुख खान जी आते हैं और अपने फैंस को हाथ पकड़े दिखाते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान जी के जो फैंस है वो अक्सर इस बंगलों के पास आते हैं और अपना फोटो सेशन वगैरह करते हैं। अब देख लीजिए, जब एक फैन है शायद तो बंगलों के बाहर फोटो ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब जस्ट हम आ चुके हैं बैंड स्टैंड, आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा सो नाइसली। अभी बजे हैं करीब शाम के 5, है ना, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है देखने में। चलिए थोड़ा चलते हैं किनारे पे और देखते हैं कैसा सिचुएशन है यहाँ का। वाओ, थोड़ा सा फिसलन होता है यहाँ पर पानी, बहुत रिस्की हो जाता है कई बार आगे जाना। लहर देखिए, वाओ, अब देख रहे हैं ना लहर, थोड़ा आगे जाना और रिस्की हो सकता है। देखिए अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ग्रीन है ये, फिसलन जैसे लग रहा है पूरा ये। बैंड स्टैंड का ये हिस्सा जो है लवर्स पॉइंट के नाम से भी बहुत पॉपुलर है, खास करके लवर्स लोग यहाँ पर आते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। लॉकडाउन होने की वजह से इतना रश नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो फैमिलीज भी आती हैं यहाँ पर। बारिश होने की वजह से जो है पानी बहुत आ रहा है यहाँ पर, अगर आपने देखा रहेगा तो। बहुत सर भी बहुत जोर जोर से आ रहा है उसमें, बहुत जोर से आ रहा है, देखो। फ्रेंड्स आ रहा है ना मज़ा, कैसे लग रहा है यहाँ का माहौल? अब देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। इवनिंग में करीब अगर आप 4-4:30 बजे आएंगे तो सनसेट डेफिनेटली देखिएगा। आज पता नहीं बारिश होने की वजह से हम लोगों को सनसेट देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है, क्योंकि सन नज़र नहीं आ रहा है फ्रेंकली। बजे तो है 5:30 बज गए अभी, लेकिन फ्रेंकली सन नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी अच्छा होता है, बट मैं आपको एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, लॉकडाउन होने की वजह से इतना क्राउड नहीं है आजकल किसी भी जगह पर जाओ तो। सेम ईयर एट बैंड स्टैंड ऑल्सो। तो फ्रेंड्स यही है बस बैंड स्टैंड, यहाँ पर लोग आते हैं समुद्र किनारे पर बैठते हैं, शाहरुख खान जी का बंगलो देखते हैं। बस यहीं पास में गैलेक्सी अपार्टमेंट भी है जो है कि सलमान खान जी का फ्लैट वगैरह है, वहाँ पर पूरी फैमिली भी वहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो बस अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि और बैंड स्टैंड पर क्या क्या है देखने जैसा। सो फ्रेंड्स ये जो है जॉगिंग ट्रैक माना जाता है, यहाँ पर लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, अगर आप देख सकते हैं तो।
बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ ये ट्रैक। चलते हैं, देखते हैं कि आगे तक क्या क्या है यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रैक पर, देखेंगे। तो अब देखिए है ना, बहुत लंबे तक ये फैला हुआ है ट्रैक। अगर आप ये ट्री देखेंगे तो कितना अच्छा पेड़ है ना, देखने में से समझ में आ रहा है। तो सी द क्राउड, इस तरफ थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर कपल्स वगैरह भी दिख जाएंगे ना। अब देख रहे थे ये वॉकिंग में, यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए इवनिंग में वॉक करने के लिए। तो चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं कि कैसा है यहाँ का ये सफ़र। बैंडस्टैंड जो है लवर्स पॉइंट के नाम पर भी फेमस है, तो आप देखेंगे काफ़ी कपल्स वगैरह भी यहाँ पर आए हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह पे लिखा हुआ है नो ड्रिंकिंग। वाओ, दिस इज अ वेरी ग्रेट, काफी अच्छा लिखा हुआ है। चलते हैं आगे। बैंडस्टैंड जो है फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, ये पड़ता है बांद्रा वेस्ट में। और अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप आ सकते हैं बांद्रा स्टेशन से, और वहाँ से ऑटो और बसेस वगैरह अवेलेबल हैं यहाँ पर आने के लिए, है कि नहीं। काफ़ी अच्छी जगह ये, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर, एक तरीके से मेरा वॉकिंग भी हो जा रहा है। अब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो है ना, मैं कई दिन हो गए वॉकिंग के लिए नहीं निकल पा रहा हूँ मैं, सो आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वॉक हियर एट बैंडस्टैंड। अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग वॉक कर रहे हैं। जो ओल्ड हो गए हैं वो भी वॉक वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर, फैमिली से भी आए हुए हैं अगर आप देखेंगे तो। लोग बैठ के यहाँ पर लोग आराम से दिमाग को कूल करते हैं पूरा, देख रहे हैं यहाँ पर कुछ देखने की जैसा दिख रहा है। अब देखेंगे, बचपन में ही हम लोग बहुत खाते थे। सो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या है वहाँ पर। Wow. Can just see this. I think ये कुछ तो बना हुआ है सर्कल में ये, ऐसा यहाँ पर आई थिंक प्ले वगैरह होता है ऐसा लग रहा है कुछ तो कुछ। इससे कपल्स वगैरह भी हैं। So hi friends, I'm just going back now. I hope कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। मुंबई में अगर आप कभी घूमने के लिए आए तो बैंडस्टैंड ज़रूर आइएगा, इट इज़ अ वेरी enjoying प्लेस, बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पर।